नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर। सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस सड़वा खुर्द में मनाई गई गांधी जयंती। आपको बता दें, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस सड़वा खुर्द प्रयागराज में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को 154वां गांधी जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान के साथ गीत संगीत व वाद विवाद भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग छात्र छात्राओं के द्वारा रैली का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्थान के निर्देशक डॉक्टर अभिजीत भागवत मोहिते और प्राचार्य ऋतु तोविद द्वारा महात्मा गांधी जी की फोटो पर पुष्पमाला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। ऋतु तोविद ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को कहा कि बापू के जीवन से हमें शालीनता, सरलता, उदारता एवं सहजता की प्रेरणा मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और गांधी की तरह सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस सड़वा खुर्द में साफ सफाई कर स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। नर्सिंग छात्राओं को शिक्षक प्रिंशु मिश्रा ने महात्मा गांधी के जीवन शैली, योगदान व प्रासंगिकता समझाई। कार्यक्रम में अवनीश कुमार रत्नेश, पप्पू मिश्रा, सौरभ मिश्रा, गौरी कुशवाहा, अर्पिता, विभा निशी तिवारी उपस्थित रही। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से संवाददाता स्मित के सरवानी की रिपोर्ट। निकाली गई है, अब क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज हम सब यहाँ सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्कूल में गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने गांधी जी के जयंती पे हम लोग रैली निकाले और हमने पोस्टर प्रतियोगिता भी किया, जैसे कि आप दीवारों पे देखे चिपके हुए हैं, और हम लोगों ने गीत प्रतियोगिता भी किया है। और हम आज गांधी इसलिए भी प्रासंगिक है हमारे लिए क्योंकि आज जब हम पर्यावरण की समस्याओं से इतना जूझ रहे हैं तो गांधी की वो कहानी याद आती है, जब वो जेल, यरोदा जेल में बंद थे तो उनके सहयोगी काका कालेकर से उन्होंने पत्तियाँ मंगाई थी नीम की, और उन्होंने एक टहनी तोड़ के ला दिया था, तो उस समय गांधी जी ने उनको काफ़ी डांटा था। तो इससे पता चलता है कि हमें पर्यावरण के प्रति उनका कितना बड़ा व्यू था, और इसी से हमें पता चलता है कि आज की समस्याओं में भी गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और अभी भी प्रासंगिक है। आपका परिचय? हम प्रिंसु मिश्रा, कॉलेज के एक्सटर्नल फैकल्टी में सोशलाइजी टीचर।